In celebration of World Kidney Day, We Together Care is hosting an event. A series of informative discussions on maintaining a healthy diet for kidney patients, expert dietitians, and nephrologists will be delivering talks additionally. We provide complimentary diet consultation services for all individuals with kidney conditions. ट्रांसप्लांट पेशेंट में डायट्री गाइडलाइंस क्या होती है? किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट जो है वो वेट हमेशा कंट्रोल में रखे, दवाइयाँ टाइम टू टाइम ले, उनका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल रहना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि उनकी जो प्लेट है बैलेंस प्लेट होनी चाहिए, उसमें सही मात्रा में वो सीरियल्स ले सकते हैं। उनको सारे टाइप्स के सीरियल्स या मिलेट्स अलाउड होते हैं, गेहूँ हो, ज्वार हो, नाचनी हो या बाजरा हो। वो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में अगर पोटेशियम नॉर्मल है तो वो सारे टाइप्स के मिलेट्स ले सकते हैं। प्रोटीन्स की क्वांटिटी जो है 1 ग्राम पर केजी किडनी ट्रांसप्लांट में अलाउड है। उसी टाइप में उनको सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलाउड रहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट सैचुरेटेड फैट हमेशा कम ले, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड या जंक फूड ना ले। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हमेशा ऊपर से सॉल्ट लेना अवॉइड करें, पापड़, अचार या नमकीन पदार्थ ना ले। पैकेट फूड, प्रोसेस फूड हमेशा अवॉइड करें। किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट का फ्लूइड इंटेक नॉर्मल पर्सन जैसा ही होना चाहिए। आपके डॉक्टर की सलाह से जितनी बॉडी की आवश्यकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। नमक और किडनी, इसका रिलेशन क्या होता है? नमक हर व्यक्ति ने सीमित मात्रा में ही लेना इम्पोर्टेंट है। अगर शरीर में नमक ज़्यादा जाता है तो यूरिन में से कैल्शियम ज़्यादा सिक्रेट किया जाता है, हमारा सोडियम और पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से किडनी का लोड बढ़ता है, शरीर पे सूजन बढ़ती है, उसके वजह से हार्ट का लोड बढ़ता है। बहुत बार हमें लोग पूछते हैं, किडनी के पेशेंट पूछते हैं कि हमने रिमेम्बर इट्स इम्पोर्टेंट फॉर किडनी पेशेंट्स टू सीक पर्सनलाइज्ड एडवाइस फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और रजिस्टर्ड डायटिशियंस टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक डायटरी कंसर्न्स। वो कितना बराबर है, तो देखिए, जो काला नमक है या रॉक सॉल्ट है या पिंक सॉल्ट है, उसमें सोडियम क्लोराइड भले ही कम हो लेकिन उसमें पोटेशियम क्लोराइड ज्यादा होता है, और सफेद नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा रहती है। तो नमक आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपकी जो नमक की क्वांटिटी जो है वो कितनी हो रही है। हर दिन किडनी पेशेंट जो है 5 ग्राम के अंदर ही नमक का इस्तेमाल करें, उससे ही आपकी किडनी सेफ रह सकती है। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड ज़्यादा ले रहे हो तो पोटेशियम का लोड किडनी पे ज़्यादा आ सकता है। अगर आप सफ़ेद नमक ज़्यादा ले रहे हो तो सफ़ेद नमक के वजह से किडनी का लोड और सोडियम का लोड और बढ़ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस में लेना इम्पोर्टेंट है। जो नमकीन चीज़ें हैं जैसे कि सॉल्टी पीनट्स है, चिप्स है, कुरकुरे है, बटर, जो सॉल्टी बटर है, प्रोसेस फूड है या पैकेट फूड है जैसे भी बिस्किट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, वो हमेशा कम होने चाहिए क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी टाइप में पोटेशियम जो है वो सारे फ्रूट्स में ज़्यादा होता है। बहुत बार फ्रूट्स खाते वक्त भी लोग ऊपर से काला नमक डाल के खाते हैं, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करना इम्पोर्टेंट है। Thank you.